हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिखाने वाले हैं GoPro 12 एक्शन कैमरा का अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिजिटल कैमरा में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि GoPro 12 एक्शन कैमरा दिखता कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है और उसका जो टफन ग्लासेस है वो स्क्रीन कैसे अटैच करते हैं और उसके साथ हमने क्या क्या और ऑर्डर किया है। बॉक्स अभी ओपन कर दिया मैंने और अभी आप देख सकते हो ये है GoPro 12 एक्शन कैमरा का बॉक्स। बहुत ही बेहतरीन इसका पैकेजिंग है और पिक्चर में भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे अभी और इसके साथ ये हमने जो ऑर्डर किया था वो है शॉर्टी मिनी। मिनी शॉर्टी मैंने अलग से ऑर्डर किया था अमेजोन में, क्योंकि कंबाइन जो आता है वो थोड़ा कॉस्टली मुझे लग रहा था, तो मैंने अलग से इसका ऑर्डर किया था। और इसके साथ ये जो है वो है टेम्पर ग्लास स्क्रीन है, तो उसको हम अटैच करके आपको दिखाएंगे कि कैसे GoPro 12 एक्शन कैमरा में इसको अटैच करेंगे हम। यूज़ करने से पहले ही दोस्तों इसको अटैच कर लीजिए क्या, ताकि स्क्रीन में स्क्रैचेस ना आए। और ये हमने 61:1 एक्शन कैमरा का जो अलग अलग प्रोज है वो हमने ऑर्डर किया था, वो भी अलग से ही ऑर्डर किया था। सभी को हम वन बाय वन ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं GoPro 12 एक्शन कैमरा का बॉक्स। ये बॉक्स अभी हम ओपन करने वाले हैं। ये जो बॉक्स है वो काफी अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है। बॉक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। तो अभी ये जो है एक वारंटी कार्ड इसमें दिया गया है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। वारंटी कार्ड इसमें 1 ईयर हमको नेशनल और 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी हमको दी गई है कैमरा में। और ये जो है वो GoPro 12 का सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे मोबाइल में। तो कैसे डाउनलोड करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन है, बैटरी कैसे उसको अटैच करते हैं, मेमोरी कार्ड कैसे अटैच करते हैं उसका भी एक पैम्फलेट दिया गया है, और कैसे यूज़ करते हैं कैमरा का प्रोडक्ट को वो भी इसमें दिया गया है। और इसके साथ हमको एक USB-C केबल दिया गया है, ये USB-C से चार्ज होता है। और ये जो है वो है कैमरा, काफ़ी स्मॉल साइज है इसकी, एकदम मतलब आपके पाम में आ जाता है। आप देख सकते हो GoPro इसका कैमरा जो आप DSLR यूज़ करते हो तो उससे काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्मॉल साइज है इसकी, यानी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। कैमरा को पहले रैपर इसका रिमूव करते हैं हम। अभी हमने रैपर रिमूव कर दिया है, उसका स्क्रीन गार्ड भी लगाया हुआ है अभी, तो उसको भी हम निकालेंगे। देख सकते हो काफी अच्छे से इसको कवर किया हुआ है ताकि स्क्रीन को डैमेज ना हो कोई। ये काफ़ी स्मॉल साइज है, आप देख सकते हो, अभी बहुत ही बेहतरीन दिखता है लुक में, तो एकदम अट्रैक्टिव पीस है ये। अगर आपने DSLR यूज़ किया है तो उससे तो काफ़ी लाइट वेट है ये, यानी आप इसको कहीं भी कैरी आराम से कर सकते हो। इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी स्मॉल साइज है और फ्रंट स्क्रीन भी इसकी है। कैमरा के बारे में आपने ऑनलाइन तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि कैमरा में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको अभी अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं हम कि GoPro 12 वाटरप्रूफ एक्शन कैमरा है जो फ्रंट एंड रियर LCD स्क्रीन के साथ अवेलेबल है। इसके साथ एक बैटरी दी गई है बॉक्स में, और क्या क्या दिया गया है, तो एक बैटरी है, सी केबल है, USB-C केबल इसमें दिया गया है। ये जो है बैटरी वो भी काफ़ी लाइट वेट है, एकदम इजीली हम उसको अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा कर्व्ड एडहेसिव माउंट इसमें दिया गया है, माउंटिंग बकल है और थंब स्क्रू है। इतना कैमरे के साथ आता है। और अभी हम मिनी शॉर्टी को अनबॉक्स कर रहे हैं, मिनी शॉर्टी, और इसको अटैच करके दिखाएंगे कि शॉर्टी के साथ कैमरा कैसा दिखता है आपको। काफ़ी इजी स्टेप है इसका शॉर्टी फिक्स करने के लिए भी, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कैसे शॉर्टी को आप यूज़ करें। शॉर्टी के साथ कैमरा ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है अभी, और शॉर्टी में एक
स्टैंड भी दिया गया है, काफी अच्छा है ये शोटी। अगर आप दोनों एक साथ मतलब परचेस करते हो तो थोड़ा मुझे लगा कि कॉस्टली बढ़ता है, आप देख लीजिएगा कि अभी क्या रेट चल रहा है उसका। मैंने जो लिया था तब मैंने अलग अलग से ये ऑर्डर किया था। दोस्तों कैमरे के रिजल्ट आपको देखना है कि कैमरा का रिजल्ट वीडियो में फोटो में कैसा आता है, तो मैंने काफ़ी वीडियोस गोप्रो में शूट किए हुए हैं, तो अगले वीडियोस में आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट। सबसे पहले हम इसके स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं यूज़ करने से पहले, ताकि कोई स्क्रैचेस या फिर कोई डैमेज ना आए स्क्रीन के ऊपर। कैसे मतलब इसको अटैच करना है वो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। पहले तो हम स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लेते हैं, इसमें ऑलरेडी सब दिया ही गया है, तो स्क्रीन को हम पहले साफ कर लेते हैं। स्क्रीन को साफ करने के बाद ही इसको अटैच कीजिएगा, यानी कोई डस्ट इसमें रह ना जाए। सारे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए गए, एक बार इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। अभी थोड़ा फटाफट आपको दिखा देता हूँ ये प्रोसीजर। मैं इसकी जो बैक स्क्रीन है उसके ऊपर अटैच करने वाला हूँ अभी। दोस्तों इस कैमरे के ऑर्डर के साथ मैंने एक्शन कैमरा एसेसरीज किट भी ऑर्डर की थी, जो कि 61:1 वाली जो है वो मैंने सिलेक्शन की थी। आपका यूज़ क्या क्या है एक्शन कैमरे के साथ, उस हिसाब से आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा, ताकि आपको जो ऑर्डर है वो सस्ता पड़े, इतना कॉस्टली ना पड़े। मैंने ये तीनों अलग अलग से ऑर्डर किया था, अमेजोन से ही ऑर्डर किया है, और काफ़ी अच्छी ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने 15-20 दिन के बाद ये आपको वीडियो अनबॉक्सिंग वाला डाला है यूज़ करने के बाद, ताकि इसका रिजल्ट बेस मुझे पता चले। और उसका कैमरा का वीडियो का फोटो का रिजल्ट आपको दिखना है तो ऑलरेडी मेरी चैनल में अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए GoPro 12 Action के प्रकार रिजल्ट।